नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक कर दे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आर एच फैक्टर से संबंधित है। आर एच फैक्टर से संबंधित है रक्त से। देखिए जो आर एच फैक्टर है वो रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर बी फैक्टर के खोज करता है। आर बी फैक्टर के खोज करता है, आर बी फैक्टर के खोज करता है लेड स्टीनर एवं वीनर। आर बी फैक्टर के खोज करता है वो है लेड स्टीनर एवं वीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप नियंत्रण होता है। रक्तचाप नियंत्रण होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से होता है रक्तचाप का नियंत्रण। एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप का नियंत्रण होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जो कि आपको यानी जो 50 क्वेश्चन है कंप्लीट याद करा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी संभावनाएं होती हैं इन क्वेश्चनों में से आने की। काफ़ी बार रिपीटेशन हुआ है, बार बार आने आते रहते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध करता है तो वर्क है जो रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त किसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो डायलिसिस कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है या क्या कहलाती है तो यह डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण होता है वक्र में। मूत्र का निर्माण होता है वक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क का भार होता है। वृक्क का भार होता है देखिए 150 ग्राम, 150 ग्राम होता है वृक्क का भार। फ्रेंड्स, वृक्क का भार होता है जो वो होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है मानव गुर्दे में जो पथरी बनी होती है वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है या रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है तो ये कहलाता है स्वीगेनो मैनोमीटर कहलाता है रक्त दाब मापने वाला यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती है तो ये कहलाती है सिरा। रक्त से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ सिरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ क्या कहलाती है। देखिए हृदय से यानी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती है तो ये कहलाती है धमनियाँ। धमनियाँ कहलाती है हृदय से शरीर की ओर, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुँचाती है वो कहलाती है धमनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन का नियंत्रण यानी हृदय की जो धड़कन को नियंत्रण करता है वो है पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जारावीक सेवन है। फ्रेंड्स, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जारावीक सेवन है, जारावीक सेवन क्या है तो जो कृत्रिम हृदय है उसे जारावीक सेवन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो होता है रक्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त होता है देखिए पित्त होता है पीले रंग का क्षारीय द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का पीएच मान होता है। फ्रेंड्स, काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, यानी 7.7। पित्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.7। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त श्रावित होता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का जमा होता है पित्त जमा होता है पित्ताशय में। देखिए पित्त है जो
ये पित्ताशय, इसमें पित्त जमा हो जाता है, पित्ताशय में जमा होता है पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये होता है कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो होता है विषाणु के द्वारा, हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो होता है विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु की खोज किसने की थी, विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवान नेवेस्की ने खोज की थी विषाणु की, विषाणु की खोज की थी इवान नेवेस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषाणुओं का अध्ययन है, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फूड एंड माउथ रोग होता है, जंतुओं में होने वाली एक बीमारी है फूड एंड माउथ। देखिए फ्रेंड्स ये विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है फूड एंड माउथ रोग होता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवकों का अध्ययन कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैवालों को कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज की थी लियोन होग ने, जीवाणु की खोज की थी लियोन होग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है, ध्वनि का वेग होता है जो सर्वाधिक होता है वो वेग में, सॉरी ठोस में होता है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है जो ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की गति धीमी होती है, ध्वनि की गति जो सबसे धीमी होती है वो होती है हवा में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है तक होता है कि ध्वनि की जो गति धीमी होती है वो तो होती है हवा में, और ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वो होती है ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल होती है, देखिए ध्वनि की चाल होती है 760 किलोमीटर, 760 मील प्रति घंटा, मील प्रति घंटा में नापी जाती है ध्वनि की जो चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, देखिए जब ताप बढ़ता है, ताप जब बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु है, वायु है एक गैसों का मिश्रण, क्योंकि वायु में निम्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, इसे गैसों का मिश्रण कहा जाता है। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन। देखिए अभी बताया था मैंने आपको, यानी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस पाई जाती है और गैसों का आपस में मिश्रण पाया जाता है, इसी प्रकार गैस वायु का जो उदाहरण है वो गैस का गैस में विलयन, यानी आपस में गैस एक दूसरे में मिली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में ध्वनि का वेग होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसीबल, ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसीबल, पिछले कई एग्जामों में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा का वाष्प घनत्व होता है, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4, 14.4 होता है हवा में हवा का वाष्प घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है वो है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, 9.9446 × 112 किलोमीटर या 9.46 × 1015 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है, मनुष्य में मेरुदंड, मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो ये निकलती है 31 जोड़ी, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मनुष्य में मेरुदंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, गुणसूत्रों की खोज की थी, क्रोमोसोम बोलते हैं गुणसूत्रों को, क्रोमोसोम बोला जाता है, तो वाल्डियर ने की थी गुणसूत्र की खोज, गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डियर ने, वाल्डियर ने गुणसूत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से, गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वो होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, देखिए मनो जो मनुष्य में क्रोमोसोम होता है यानी 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम यानी 23 जोड़े, 46 क्रोमोसोम यानी 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका,
फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी जीवित कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका पूछ लिया जाता है तो ये होते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो इसे न्यूरॉन कहा जाता है। यानी तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका शब्द का निर्माण। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। फ्रेंड्स काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।